आखिर चूहे क्यों कुतरने लगते हैं कोई भी सामान, और क्यों होता है कोई भी प्रयोग सबसे पहले चूहे में, आइए जानते हैं चूहों के बारे में। चूहा एक स्तनधारी प्राणी है जो लगभग दुनिया में हर जगह पाया जाता है। दुनिया भर में चूहों की लगभग 50 प्रजातियां पाई जाती हैं। चूहे को भगवान गणेश जी का वाहन भी माना जाता है। राजस्थान में मौजूद करणी माता का मंदिर चूहों के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि करणी माता मंदिर में लगभग 20,000 से भी ज्यादा चूहे मौजूद हैं। जो भी भक्त करणी माता मंदिर जाते हैं तो चूहों के लिए खाने के लिए भी ले जाते हैं। मुख्य रूप से चूहे अनाज ही खाते हैं। पूरे भारत में साल भर लाखों टन अनाज चूहे बर्बाद कर देते हैं। ये अनाज को खाने से ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। चूहों में कुल 16 दांत पाए जाते हैं, जिसमें से 4 दांत कृंतक अर्थात भोजन को काटने वाले और 12 दांत चवर्णक अर्थात भोजन को चबाने वाले होते हैं। आइए जानते हैं चूहे किसी भी सामान को क्यों कुतरने लगते हैं। चूहे के दांत जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। अगर पूरी जिंदगी भर चूहे अपने दांतों के बढ़ने पर नियंत्रण ना करें तो मर भी सकते हैं। इसीलिए चूहे अपने दांतों से कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं, जिससे उनके दांत घिसते रहें और ज्यादा बढ़े ना। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके दांत स्टील, प्लेटिनम और कॉपर से भी ज्यादा मजबूत होते हैं, खासकर कृंतक दांत। एक चूहा 3 महीने में वयस्क हो जाता है, अर्थात मादा चूहा 3 महीने के बाद बच्चे देने योग्य हो जाती है। एक मादा चूहा एक बार में 20 से अधिक बच्चे और साल में 2,000 बच्चे तक दे सकती है। चूहे अपने रहने के लिए बिलों का निर्माण करते हैं। चूहे बच्चे देने से पहले आसपास मौजूद सामग्रियों जैसे पेपर, कचरे और टहनियों से अपने बिल में घोंसले का निर्माण करते हैं। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है और सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। और आपको बता दें कि चूहों की याददाश्त बहुत तेज होती है। चूहे की पूंछ शरीर का संतुलन बनाने और शरीर का तापमान नियंत्रित करने में सहायक होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चूहे ऊंट से भी ज्यादा दिन तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि कंगारू चूहा 10 वर्ष तक बिना पानी पिए रह सकता है। चूहों में होने वाले प्रयोग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आइए जानते हैं आखिर कोई भी दवा या ड्रग्स का सबसे पहले चूहे में ही क्यों प्रयोग होता है। वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार इसकी वजह यह है कि ये जगह के अनुसार खुद को बहुत जल्दी ढाल लेते हैं और इनके दिमाग की बनावट और काम करने का तरीका बिल्कुल इंसानों की तरह है। यही वजह है कि सबसे पहले कोई भी प्रयोग चूहे में होता है। अक्सर आपने कई घरों में लोगों को सफेद चूहे पालते हुए देखा होगा, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। आपको बता दें कि चूहों से इंसानों में कई तरह की बीमारियां फैलती हैं, जिसमें चूहों से होने वाली प्लेग बीमारी मुख्य है। एक दिलचस्प बात यह है, कई देशों में चूहों का मांस खाया भी जाता है। बात करें चूहों के जीवन काल की, चूहे की आयु लगभग 2 साल की होती है। ऐसी ही और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।